स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी यानी कि ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के सुधांशु पटेल के द्वारा दी गई खबरें आप देख रहे हैं, जो कि हमेशा सच्ची दी जाती है और हमेशा आंगनबाड़ी बहनों, सहायिका और मिनी बहनों के लिए आवाज भी लगाई जाती है। तो यहां पे ये वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं प्रोत्साहन और आपका स्मार्टफोन, जिसके बारे में आप लोगों को कुछ बढ़िया जानकारी देने वाले हैं। और यही आपसे उम्मीद करते हैं कि हर एक भाई बहन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, साथ ही अपने दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोनों चैनलों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं या आपने सर्च कर लीजिए ऑल इंडिया और आपका ये सुधांशु पटेल, दोनों को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अपनी ऑन रखना, क्योंकि दोनों चैनलों पर बराबर खबरें अब दी जा रही हैं, जिसे आप लोगों को देखना बहुत ही जरूरी है। यहां पे उरई से ये खबर है, मीटिंग वगैरह हुई है प्रोत्साहन के बारे में, और बीएलओ का जो आप लोगों का पैसा था, जो बीएलओ की आप ड्यूटी करते थे उसका जो पैसा था, उसका भी भुगतान ना जो किया गया है, उसी चीज पर नाराजगी बहनों ने जताई है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं, आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की जो बैठक हुई थी रविवार को चौधरी चरण सिंह जो इंटर कॉलेज में संपन्न हुई थी, इसमें मानदेय ना बढ़ाए जाने पर जो है सही तमाम जो समस्याएं हैं उनको जोर शोर से चर्चा कर उनका जो निस्तारण करने की रूपरेखा तैयार की गई थी। आप लोगों से मैं हमेशा कहता रहता हूं, बहने जो अपना अपना प्रयास कर रही है, आप सब लोग वीडियो देखते हैं, प्लीज खबरों को शेयर किया करें ताकि ये खबरें चर्चाओं में आए और ये चर्चा सरकार प्रशासन इन पर गंभीरता से कुछ विचार करे और आगे इन समस्याओं पर विचार भी हो सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बैठक को संबोधित करते हुए एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष संगीता सिंह ने, उन्होंने कहा है कि वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने 1500 रुपए एवं 750 रुपए मानदेय जो बढ़ाया था, जिसकी घोषणा वगैरह भी की गई थी, लेकिन बाद में उसे प्रोत्साहन राशि में परिवर्तित कर दिया गया, ऐसा उनका कहना है, लेकिन वह प्रोत्साहन राशि भी आज तक आंगनबाड़ियों के खाते में नहीं आई है, जो कि 100% बात सत्य है। एक भी पैसा योगी सरकार का बढ़ा हुआ प्रोत्साहन का अभी तक नहीं आया है, यहां तक तो दोनों सरकारों की बातें झूठी हो रही है, यानी कि हमारे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में मोदी जी ने भी कहा था आपका बढ़ा हुआ पैसा दिवाली पर मिल जाएगा, दोबारा दिवाली आने वाली है और जो पैसा बढ़ा था, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी बहनें हमारी वो पैसे को पाने के लिए तरस रही हैं और उसको लेकर के बार बार धरनों पर भी आ रही हैं। सच्चाई हमेशा हम दोनों अपने चैनलों पर लगाते हैं, तो प्लीज आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, दोनों चैनलों से आप जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर लिखा हुआ है, कहा कि यह सरकार झूठ बोलकर बराबर आंगनबाड़ियों के साथ छलावा कर रही है, मांग करते हुए कहा है कि जल्द ही प्रोत्साहन राशि को मानदेय में परिवर्तित किया जाए, इसके साथ ही सरकार द्वारा बीएलओ के लिए जो भी धनराशि निर्धारित की गई है उसका पूर्ण भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। सरकार काम तो आंगनबाड़ियों से करवाती है लेकिन उसका मेहनताना नहीं देती है, यदि बीएलओ की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया तो आंगनबाड़ी बीएलओ का काम नहीं करेंगी और उन पर दबाव भी बनाया जाए। नगर अध्यक्ष अर्चना सिंह जो है आपकी नगर उपाध्यक्ष सुधा वर्मा थी, संयुक्त रूप से कहा है कि बीएलओ से संबंधित जो ज्ञापन सोमवार को कलेक्टर पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंप कर बीएलओ के भुगतान की राशि की मांग की जाएगी। वहीं बैठक में सर्वसम्मति से आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को नियमित करने के मुद्दे पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इस मौके पर मीरा, मंजू, राधा, दीप्ति, ये सभी हमारी बहनें यहां पे नाम लिखी हुई हैं, वहां पे मौजूद रही थी, तो रविवार को ये बैठक हुई थी। आगे आपको बताना चाहूंगा मोबाइल वगैरह को लेकर के, बहुत सी बहनें ये भी परेशान हैं, उनके वहां पर जिलों में जहां जहां मोबाइल नहीं मिले हैं वो कह रही हैं हमारे यहां ये स्मार्टफोन कम मिलेंगे, तो उनको यही कहना चाहूंगा ना मिले बहनों तो अच्छा है, ये फोन नहीं ये आफत है, ये समझ लीजिए आप, क्योंकि ये फोन ऐसे हैं चार्जिंग पर लगाओ तो ब्लास्ट होते हैं। मोबाइल रिचार्ज के लिए अब विभाग बना रहा है दबाव, अभी तो फोन दे दिया गया, एक महीने का रिचार्ज करवा दिया गया, उसके बाद में ये आप लोगों पर ही जिम्मेदारी सौंप दी गई, मोबाइल पर रिचार्ज कराने के लिए दबाव अधिकारी बना रहे, लेकिन निदेशालय स्तर से इसको लेकर के कोई भी लेटर जारी नहीं है कि इसका सरकार भुगतान करेगी या विभाग इसका भुगतान करेगा। ये आपके जिला के प्रोग्राम पदाधिकारी, ये छोटे छोटे अधिकारी यही सब ये काम कर रहे हैं, जो कि ये गलत है, जिसका बहने हमारी विरोध करती हैं। सिद्धार्थनगर में ये खबर थी कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित जो आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्तियों को विभागीय कार्य के लिए स्मार्टफोन से लैस तो कर दिया गया, प्रथम बार रिचार्ज खत्म होने के बाद अब कोई सुध नहीं ले रहा है, लिहाजा जनपद के 3112 जो कार्यकर्ता है वो 25% स्मार्टफोन उनके बंद पड़े हुए हैं, इस वजह से विभागीय काम प्रभावित होकर जो रह गया है, और CDPO मिट्ठल पर व्यक्तिगत रिचार्ज के लिए दबाव बनाए जाने की भी शिकायत सामने आई है।
तो ये चीजें हैं बहनें क्यों रिचार्ज करें जब विभाग इसके बारे में कोई सूचना जारी नहीं की। अगर सूचना जारी है तो हमारी बहनों को वो सूचना भेज दी जाए, वो आराम से रिचार्ज करवाएं, लेकिन जब सूचना ही नहीं है तो वो अपने पैसों से क्यों ये सब कुछ करें, 250-250 रुपए हर महीने अपना इधर दे और मिलता क्या है वो आप सब देख रहे हैं। खर्चा जो मिल रहा है उससे ही नहीं चल रहा है, ऊपर से ये और खर्चे बढ़ा रही है विभाग के अधिकारी। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन से लैस करने के लिए जो है बाकायदा प्रशिक्षित भी किया गया। फरवरी 2019 में ICDS कैश योजना के तहत सभी को डाटा नेटवर्क के लिए, रिचार्ज के लिए साथ साथ एक स्मार्टफोन मुहैया कराया गया। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि आंगनबाड़ी बहनों को फीडिंग का कार्य जो सौंप दिया गया, जो कि उनका जिम्मेदारी नहीं थी, उनका जो है काम सिर्फ इतना था बहनों का कि वो अपने वहां की सूची बनाएंगी, अपनी मुख्य सेविका यानी कि सुपरवाइजर को दे देंगी, बाकी फीडिंग मुख्य सेविका यानी कि सुपरवाइजर को ही आपकी करनी है। और उसके लिए ब्लॉकों पर एक एक कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के लिए जो उस फीडिंग करेगा उसकी भी सरकार ने बंदोबस्त किया, विभाग ने पैसे जारी किए, हर ब्लॉक के लिए लाखों में पैसे भेजे गए हैं और डाटा कनेक्शन के लिए पैसा अलग भेजा गया। ये सब घपला करके अधिकारी बैठ गए, लेकिन आप लोगों के सामने एक सच्चाई दिखाता हूं, खुल करके बोलता हूं, फिर भी आप बहुत सी बहनें वीडियो देख लेती हैं, यहां से शेयर करना नहीं चाहती, जबकि आपको चाहिए हर एक खबर को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, तभी आपकी आवाज जो है उस पर कुछ विभाग अधिकारी एक्शन लेंगे, अन्यथा ये जो छोटे मोटे अधिकारी आप पर दबाव बनाते रहेंगे और आप उसका शिकार होते रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वे कराकर फीड कराने के जो पहल है वो हुई, पर उसके बाद डाटा नेटवर्क खत्म हो गया, जिसके बाद रिचार्ज कराने के लिए जो किसी भी स्तर पर पहल नहीं हो रही है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं सहायिका जो एसोसिएशन वगैरह है वह, और इसके लिए प्रभावती बहन ने आवाज़ जम करके उठाई थी, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई भी बहन अगर इसके खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहे सबूत के साथ में, यानी कि वो अगर खुल करके चाहती हैं कि इसके खिलाफ आवाज उठाना, तो वो लेटर लिखे प्रभावती बहन को, और वो उन लेटरों को लेकर के सूची तैयार करके ऐसे अधिकारियों की, हर ब्लॉकों के अधिकारियों की सूची बना करके वो अपने भेजेंगी वहां पर मुख्यमंत्री जी के पास में, और सीधा शिकायत की जाएगी। लेकिन बहुत से जगह ये खबर जाने के बाद में बहुत से ग्रुपों में जहां जहां हम शामिल थे, हमारे वीडियो गए या बहनों ने भेजे, वहां पर उन बहनों को उनके वहां के अधिकारियों ने बहुत गलत तरीके से ग्रुप वगैरह में उनको निकाल भी दिया ग्रुपों से। तो ये सब चीजें मैं था वहां से उनको दबाव बना करके मुझे निकलवा दिया गया। ये समस्या है, शोषण के खिलाफ अगर आप आवाज उठाते हैं तो ऐसे अधिकारी जो गलत काम कर रहे हैं उन्हीं को ये बातें बुरी लगती हैं, बाकी बहुत सी बहनें और बहुत से अधिकारी ऐसे भी हैं जो काम अच्छे कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं चीजों को कि शोषण मिट जाए। तो ऐसे लोग जो है हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे जिले में जो कतिपय बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा कार्यकर्तियों से व्यक्तिगत रूप से रिचार्ज कराने का दबाव बनाया जा रहा है, CDPO मिठवल द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जिलाधिकारी के आदेश का हवाला देते हुए रिचार्ज कराने को कहा जा रहा है। वहीं DM के आदेश की प्रति वगैरह मांगने पर आनाकानी की जा रही है। मोबाइल रिचार्ज कराना विभाग का कार्य है, विभागीय कार्य के लिए सरकार पैसे से जो है मोबाइल रिचार्ज ना कराने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी है। मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर ने जो जिला कार्यक्रम अधिकारी को इस प्रकरण की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। अगर ये सब कुछ नहीं होता, समस्याएं बंद नहीं हुई और हमारी बहनें जागरूक हो रही हैं, धीरे धीरे एक विशाल धरना मुख्यमंत्री जी के सामने होगा और इन अधिकारियों पर जो है जांच वगैरह जरूर, इसकी मांग वगैरह भी की जाएगी, क्योंकि हर जिले में और हर ब्लॉकों में यही समस्या है कि आंगनबाड़ी का शोषण उनके ही विभागीय अधिकारी बहुत जमकर के कर रहे हैं। वहीं आपसे बता दूं कि ये देख लीजिए, अमरोहा में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिला कि वहां की जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं वो एसोसिएशन वगैरह हमारे, वहां पर भी ये चीजें देखने को मिली, वो भी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और आंदोलन के लिए आगे आने वाले समय में आएंगे इसी सब चीजों के खिलाफ। यहाँ पे लिखा भी है, रविवार दोपहर जोया रोड स्थित जो सद्भावना पार्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका वेलफेयर जो एसोसिएशन है उसकी जिला कमेटी की बैठक हुई थी, अध्यक्षता करते हुए एसोसिएशन जिला अध्यक्ष सत्यबाला चौधरी थी, उन्होंने चुनाव पूर्व 120 दिन के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की तकदीर और वगैरह जो तस्वीर बदलने के मुख्यमंत्री की जो घोषणा हुई थी वो हवाई साबित हुई। अब सरकार के कोरे आश्वासनों के कार्यकर्ताओं में दोबारा रोष बना है, आरोप लगाया कि ना तो उनका मानदेय बढ़ा और ना ही प्रमोशन किया जा रहा है। निर्णय लिया गया कि अगले माह 2 सितंबर से जिला मुख्यालयों पर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। यह सब चीजें हैं, तो 2 सितंबर को व्यापी जो आपके ब्लॉकों पर ये सब चीजें देखेंगी। लेकिन एक बात साफ तौर पर कहना चाहूंगा, जो प्रमोशन की प्रक्रिया है वो चल रही है और बहुत ही धीमी गति से चल रही है, कछुए की चाल से भी धीमी गति से चल रही है। कछुआ तो बराबर चलता रहता है, लेकिन ये उस
खरगोश की तरह है, जब इधर से बहनें धक्का लगाती हैं तो वो थोड़ा चलता है, उसके बाद में फिर शांत होकर के बैठ जाते हैं। कहने का मतलब है अभी भी जो साइट पर विभाग की जो जिलों के नाम है उसमें भी गड़बड़ियां हैं, कई जिलों के नाम छूटे हैं और जहां के किसी जिले के अंदर किसी दूसरे जिले की फाइल वगैरह पड़ी हुई है, तो कैसे विभाग इसमें ये मान लिया जाए कि न्यायपूर्वक जो है सूची तैयार करेगी, कट ऑफ जारी करेगी, ये सभी सवाल भी यहाँ पे खड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो भी सच्चाई दिखाई जाती है हमेशा आप सभी बहनों की भलाई के लिए दिखाई जाती है, लेकिन उम्मीद यही करता हूँ आप सभी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोनों चैनलों से लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगी ताकि और भी बहनें जान सकें और वीडियो को देख सकें, लाइक कर सकें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके अपने चैनल से जुड़ सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। खबरें बराबर आती रहेंगी, आवाज़ हमेशा उठती रहेगी।